खिलाड़ी बल्ले के बगैर ही मैदान में उतरेंगे। पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला फिर छिन गया। पिशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त मंजूर कर ली, हुक्म इम्तिना वापस ले लिया। वकील पीटीआई ने मौकफ अपनाया कि 26 दिसंबर के ऑर्डर पर अभी तक अमल नहीं किया गया। जस्टिस एजाज खान ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है हुक्म इम्तिना से कोई मुश्किल नहीं हुई। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को मैंडेट के मुताबिक इंतखाबात का अमल जारी रखने का हुक्म। 6 सफात के तहरीरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद करे। सुप्रीम कोर्ट भी साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद का हुक्म दे चुकी। पिशावर हाई कोर्ट ने स्टे वेकेट कर दिया है और जो ऑर्डर किया था हमारा बल्ले की बहाली का वो वापस लिया है। ये डिसीजन उजलत में दी गई है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ आज ही फैसला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। पीटीआई से बल्ला लेना इस लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके इलेक्शन का। 227 रिजर्व सीट आप हमसे नहीं ले सकते। आप बल्ला लेंगे तो आपके इलेक्शन को दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। सिस्टम जो भी जीतेगा उसमें डेमोक्रेसी की हार हो। बॉयकॉट की तरफ हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कल अपील दायर की जाएगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बल्ले का निशान बहाल ना हुआ तो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। प्लान बी पर गौर करेंगे। 90% यकीन है सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल करेगी। हमारे उम्मीदवारों का एक मुश्तरका निशान होना चाहिए। किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। कभी नहीं कहा कि डायलॉग नहीं चाहते, मुजाकरात होने चाहिए। हम कहते हैं अंडर 19 को लड़ाएंगे। ये इससे भी घबराए हुए हैं। बैरिस्टर गौहर ने वाज़े किया, किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही कोई कॉल और धमकी मिली। इलेक्शन कमिश्नर हमने तो नहीं अपॉइंट किया है ना, आप ही ने अपॉइंट किया। मैंने नहीं किया ना। नहीं तो आप जो बातें, आप देखिए कोई पाकिस्तान को जिम्मेदारी नहीं लेता है। क्यों नहीं प्रोएक्टिव इलेक्शन होने नहीं दे रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा है। इलेक्शन कमीशन और इनको अथॉरिटीज को डायरेक्शन दे सकते हैं कि इससे ज्यादा डायरेक्शन हम क्या दे सकेंगे। 22 दिसंबर का ऑर्डर से सख्त ऑर्डर हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक है, और उस पे अगर इन्होंने हमें टाल मटोल की होती वी वुड हैव टेकन देम टू टास्क। तो नहीं किया ना। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने तायुनात किया, हमने नहीं। आपने 2013 के इलेक्शन पर भी इल्जामात लगाए, अदालत का तब भी वक्त जाया किया। मसला यह है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट का आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस। चीफ जस्टिस ने वकील लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि मस्बत सोच इख्तियार करें, ऐसा ना कहें कि बदतरीन इलेक्शन हो रहे हैं। हम कैसे कह दें कि फलां सियासी जमात के उम्मीदवार के कागजात मंजूर करें? अदालतें इलेक्शन के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। जिन्हें एतराज है वो इंतखाबी ट्रिब्यूनल से रुजू कर लें। बात खत्म। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से पूछा, क्या आपने इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया है? डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि इनकी हर शिकायत को हमने मुतलका अथॉरिटी को भेजा, समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। Start pleading cases of powerful people who are well settled, have all the resources in the world, and when they want, they can come to court. Yes. And when they don't want, they don't come to court. And then you become their spokesperson. अगर political workers को political victimization के जरिए उठाया जाएगा, missing persons में शामिल किया जाएगा, तो हम जनाब के सामने एक अर्जदाश तो पेश करेंगे ना। रियासत को अपना माइंडसेट बदलना होगा। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। पुरअमन एहतजाज पर ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। माजी का जिम्मेदार आज वालों को नहीं ठहरा सकते। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। वकील शुएब शाहीन ने कहा, इमरान रियाज अदालत में पेश होने को तैयार हैं, अदालत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हम किसी के लिए कारपेट बिछाएं? हमारे पास कोई फौज खड़ी है जो प्रोटेक्शन देंगे?
आप इसको सियासी अखाड़ा ना बनाएं। चीफ जस्टिस ने पूछा, लापता अफराद कमीशन की कारकर्दगी से कोई मुतमईन है? अदालत में मौजूद अफराद ने नफी में जवाब दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, 18 साल हो गए, सच सामने आना चाहिए। अब रोक तो सकते हैं, कोई फर्द लापता नहीं होगा। हर इदारे को अपना काम खुद करना चाहिए। हुकूमत को नहीं कह सकते फलां को कमीशन का सरबरा बनाए। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी अदालती मुआवन मुकर्रर, समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद, अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत। पीटीआई की वकला की फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर करने की इस्तदा, मौकिफ अपनाया, केस में उजलत ना की जाए। जेल ट्रायल के खिलाफ भी दरख्वास्त, इलेक्शन कमिश्नर ने दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। पीटीआई वकला का चार्जशीट को चैलेंज करने का ऐलान, कहा जो चार्ज फ्रेम हुआ उसको भी हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सिडनी टेस्ट का पहला रोज रिजवान और जमाल के नाम, दोनों की जमकर बैटिंग। पहली इनिंग का टोटल 313 तक पहुंचाया। पैट कमिंस ने मुसलसल तीसरी इनिंग में 5 विकेटें उड़ाई। 9 विकेटें 227 पर गिरने के बाद आमिर जमाल क्रीज पर आए, 86 रन की इनिंग खेली। मोहम्मद रिजवान ने भी 88 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक और साय मयूब 0 पर चलते बने। शान मसूद 35, बाबर 26 और सऊद 5 रन पर हिम्मत हार बैठे। ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान पर 6 रन बना लिए। वार्नर और उस्मान ख्वाजा दूसरे दिन का खेल शुरू करेंगे। आमिर जमाल कहते हैं, अंदाजा था ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स बाउंसर्स करेंगे, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की। शाहीन आफरीदी को आखिरी टेस्ट से क्यों निकाला, वसीम और वकार ने सवाल उठा दिया। वकार यूनस ने फैसले को मुज़ाहका खेज करार दे दिया। वसीम अकरम बोले, आराम का फैसला टीम मैनेजमेंट का नहीं था, खिलाड़ियों को फैसला करना होगा, वो अजीम बनना चाहते हैं या करोड़पति। आरओस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जजेस शदीद बरहम, रिटर्निंग अफसरान के कागजात मुसरद करने के फैसलों का पहला झटका। पीटीआई के उमैर न्यासी के कागजात नामजदगी मंजूर, ट्रिब्यूनल ने उमैर खान न्यासी एडवोकेट के NA 89 और 90 से कागजात मंजूर कर लिए। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलदम करार। जज ने कहा, समझ नहीं आती आरओस ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुसरद किए, हर कोई कानून और आइन पर चलने के बजाय रोड़े अटका रहा है, कागजात मुसरद किए तो नकुल क्यों नहीं दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ट्रिब्यूनल की तमाम दरख्वास्तों को यकजा करने का हुक्म, इलेक्शन कमीशन से जुमे तक जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट में ट्रिब्यूनल जज ने नईम पंजोता का केस सुना, अपील पर समाप्त, रिटर्निंग अफसर समेत दीगर को नोटिस जारी। और उसके फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने का वक्त खत्म। बानी पीटीआई समेत कई उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर। NA 122 लाहौर से बानी पीटीआई ने फैसला चैलेंज किया। मियाबाली के हलके से भी अपील दायर, चकवाल की नशिस्त से चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमा। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी चैलेंज, शहबाज शरीफ के कराची से कागजात की मंजूरी चैलेंज। शाह महमूद कुरैशी और खानदान को कागजात मुस्तरद किए जाने की मुस्तदिका नकुल मिल गई। दायरशुदा अपीलों पर समाअत 10 जनवरी तक मुकम्मल की जाएगी। पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक कागजात छीनने के 56 वाकयात पेश आए। नैप करप्शन का सहूलतकार है सुप्रीम कोर्ट के खालिद लांगो इलेक्शन केस में रिमार्क्स, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। खालिद लांगो के घर से ट्रकों के हिसाब से पैसे पकड़े गए, घर से 2 अरब 24 करोड़ बरामद हुए, सिर्फ 26 माह की कम सजा क्यों दी गई। बलूचिस्तान से ऐसे लोगों को इंतखाबात लड़ने से दूर रखना चाहिए, क्या बलूचिस्तान के पैसे मसीह चोरी करने के लिए इलेक्शन लड़ना है, ऐसे लोग बलूचिस्तान के दुश्मन हैं। नैप की तारीख में किसी को इतनी कम सजा नहीं हुई, मेहरबानी फरमाएं बलूचिस्तान के लोगों को बख्श दें, ऐसे लोग ही बलूचिस्तान को खा गए। छोटे छोटे केसों में तो नैप फौरी अपील दायर कर देता है, अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी। बलोच मुजाहिरीन को हिरासान न किया जाए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मौजूद बलोच खानदानों को जबरदस्ती हटाने से रोक दिया। डीसी और एसएसपी ऑपरेशंस 5 जनवरी को जाती हैसियत में तलब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए।
वैसे तो लोग शाहराह दस्तूर पर 3-3 माह धरना देते हैं, जिसमें अदालतों को भी गालियां दी जाती हैं। नाम के साथ सरदार लिखने पर चीफ जस्टिस बरहम, वकील लतीफ खोसा और चीफ जस्टिस में मकालमा, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सरदारी निजाम खत्म हो चुका, ये सरदार नवाब अदालत में नहीं चलेगा, आपकी हुकूमत ने ही सरदारी निजाम खत्म करने का कानून बनाया, अब तो आपके बेटे भी सरदार हो गए। लतीफ खोसा ने कहा कि स्टेनो ने नाम के साथ सरदार लिख दिया, आइंदा एहतियात करूंगा। आवाम की परेशानियां खत्म करने की जाम मनसूबाबंदी कर ली, 4 साल में होने वाली तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगु, कहा आवाम को नून लीग के मुआशी एजेंडे से आगाह करें, नून लीग मसाइल का हल और आवाम को रिलीफ दे सकती है, मसाइल के हल का संजीदा मनसूबा सिर्फ हमारे पास है। मीडिया से गुफ्तगु में एहसन इकबाल ने कहा 2018 में साजिश करके चंद लोगों को मुसल्लत किया गया, यूसी चेयरमैन को वजीर आजम बना देते तो बेहतर होता, बानी पीटीआई से बेहतर मुल्क चलाकर दिखाते, पीटीआई ने मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी। मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान के लिए पार्टी टिकट्स का ऐलान कर दिया, कौमी असम्बली के लिए 15 और सूबाई के लिए 42 उम्मीदवारों को टिकट जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी की CEC का मुकम्मल इत्तफाक, लाहौर में इजलास, आसिफ अली जरदारी और बिलावल की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद, पार्टी रहनुमाओं से आम इंतखाबात पर मुशावरत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क में अमन और मजबूत मईशत की जरूरत है, किसी गरीब आदमी ने मुल्क नहीं लूटा, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। पीटीआई रहनुमा सरताज गुल की सफरी जमानत के लिए पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त, सरताज गुल का कहना है कि पाक फौज हमारी है, सानहा नौमई की मजम्मत करती हूँ, शहीद की बहन हूँ, शहदा की बेहुरमती कैसे कर सकती हूँ। वज़ीर आज़म अनवार उल्लाह काकड़ की ज़ेरे सदारत SIFC का इजलास, सरमायाकारी मंसूबों का जायजा लिया गया, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी इजलास में शिरकत, वजारत की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, वजारत खजाना और FBR हुक्काम की ब्रीफिंग। कराची वालों पर बिजलियां गिरा दी गईं, बिजली 2 रुपए 87 पैसे फी यूनिट महंगी, इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मत में किया गया, इजाफा जनवरी तक मार्च 2023 की एडजस्टमेंट के लिए किया गया, सार्फिन पर 9 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। जस्टिस मुजाहिद नकवी ने दूसरे शो कॉज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करा दिया, लिखा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत बेबुनियाद है, खुली अदालत में समाप्त होने के बाद काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज़ है, आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। पीटीआई के सियासी जख्म फिर से हरे हो गए, खिलाड़ियों के हाथ से बल्ला चिन गया, सेक्रेटरी इत्तलात IPP फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तरक्की के सुनहरे दौर की जामिन है, हमारा मंशूर तरक्की का दस्तूर साबित होगा। परवेज इलाही की अडियाला जेल में तबीयत बिगड़ गई, साबिक वजीर आला पंजाब को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया, चेकअप के बाद दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल। फ्लाई जना के मुसाफिरों के लिए मजीद आसानी, टिकट्स की बुकिंग के लिए फ्लाई जना के दफ्तर जाने की जरूरत ना रही, पाकिस्तान की सस्ती तरीन एयरलाइन फ्लाई जना का बुकिंग की बासानी अदायगी के लिए वन लिंक के साथ इश्तराक, मुसाफिर वन लिंक के जरिए मोबाइल फोन या लैपटॉप से बुकिंग की अदायगी को बासानी मुकम्मल कर सकेंगे, अदायगी के बाद बुकिंग की तस्दीक के लिए मखसूस वक्त की सहूलत दस्तियाब होगी।
पुराने पुलिसिंग सिस्टम को खत्म किया जाए, नए दौर के इतवार को अपनाया जाए। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत ASP से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पंजाब में जुराइम की शरह में 30% कमी आई, 97% शहरियों ने पुलिस कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दिया। ठंड प्रोग्राम चिल माहौल, कराची से खैबर तक सर्दी ही सर्दी, धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी, पेशावर के मशहूर जमाना कहवे पर शहरी टूट पड़े। किस्सा खानी बाजार की दुकानों पर कहवे का जायका आज तक न बदला। बिजली सर्दियों की छुट्टियों पर चली गई, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बेपनाह लोड शेडिंग, कई घंटे बिजली गायब। तरबेला बिजली घर के 15 पैदावारी यूनिट बंद, सिर्फ दो काम कर रहे हैं। पैदावार की कमी से बिजली बहरान संगीन होने का खदशा। बरतानिया में गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए वीजा कवानीन मजीद सख्त, गैर मुल्की तलबा अपने खानदान को बरतानिया नहीं ला सकेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए कीवी स्क्वाड का ऐलान, केन विलियमसन कयादत करेंगे। पहला T20 12 जनवरी को होगा। कौमी टीम ने लाहौर से ऑकलैंड के लिए उड़ान भर ली। मोहम्मद सिराज की तबाहकुन बॉलिंग, जनूबी अफ्रीकन बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ा दिए। पूरी अफ्रीकन टीम 55 रन पर ढेर, सिराज ने 15 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। T20 और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान, कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। ICC ने भारतीय बैटर सूर्या यादव को फिर नामजद किया। लालिका में वेलेंशिया छा गया, वेरालेर को 3-1 से शिकस्त का सामना। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्टहैम और ब्राइटन का मैच साख्त मुकाबले के बाद बराबर।